गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक डिसेंट्री। डिसेंट्री एक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज है जिसमें डायरियल डिजीज के पार्ट्स में आती है, जो कि इसमें जो मेन रीजन होता है बैक्टीरिया वगैरह। डिसेंट्री में क्या होता है कि ये स्टूल्स के अंदर ब्लड और पस कंटेमेंट्स आते हैं, इसमें कई रीजन माने जाते हैं। डिसेंट्री जो है एक मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर। डिसेंट्री इज ड्राइव फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड्स डस मीनिंग पैड एंड एंटीरा मीनिंग बोवल। डिसेंट्री इज क्लिनिकल कंडीशन इन विच देयर इज इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटेस्टाइन एक्यूमुलेशन बाय ब्लडी डायरिया विद एब्डोमिनल क्रैम्स टेनिसमस एंड पासेज ऑफ म्यूकस इन स्टूल। टू टाइप्स में होते हैं डिसेंट्रीज बेस्ड ऑन इटियोलॉजी। देयर आर टू मेन फॉर्म ऑफ डिसेंट्रीज, पहला है बेसिलरी, दूसरा एमओबी। टेनिसमस रेक्टल पेन एंड फीलिंग, देन यू नीड टू हैव ए बोवल मूवमेंट इफ इवन इफ यू ऑलरेडी हैव एन वन। फर्स्ट है टाइप्स ऑफ डिसेंट्री में बेसिलरी डिसेंट्री। बेसिलरी डिसेंट्री एक एक्यूट इन्फेक्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, जिसका कॉज होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो कौन सा, जीनस सिजिला, जिसके कारण बेसिलर डिसेंट्री को सिगेलेसोसिस भी कहते हैं। द डिजीज इज मोर कॉमन इन चिल्ड्रन बिलो 10 ईयर्स एज, यानी 10 साल से जो कम के बच्चे हैं उनमें ये मोर कॉमन होती है। एंड डेफिनेशंस ऑफ बेसिलर डिसेंट्री, एक्यूट इन्फेक्शन डिजीज ऑफ इंटेस्टाइन कॉज बाय डिसेंट्री बेसिलाई जीनस सिगेला, प्लेस ऑफ लीजन सिग्मोड एंड रेक्टम। पैथोलॉजिकल फीचर डिफ्यूज फाइब्रोसिस एक्सोडेटिव इन्फ्लामेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन फीवर एब्डोमिनल पेन डायरिया टेनिसमस स्टूल मिक्स्ड विद म्यूकस फूड एंड पस इवन कंप्लेंट विद शॉक टॉक्सिक एंड सेफेलोपैथी। इटियोलॉजी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म डिसेंट्री बेसिलाई जीनस सिगेला ग्राम स्टेन नेगेटिव नॉन मोटाइल शॉर्ट रोड ग्रुप्स 4 सोरो ग्रुप्स एंड 47 सोरो टाइप्स। इटियोलॉजी ग्रुप सिगेला डिसेंट्री द मोस्ट सीवर एंड सिगेला फ्लेक्सनरी द एपिडेमिक ग्रुप ऑफ इजीली टर्न ऑफ क्रॉनिक सिगेला बॉडी ट्रॉपिकल एंड सुबोल सिगेला सोनी द मोस्ट ऑफ माइल्ड। तो ये ग्रुप में जो डिवाइड है 4 ग्रुप, ग्रुप ए बी सी एंड डी। ये ग्रुप जो है मोस्ट कॉमन सीरियस होते हैं रेस्पॉन्सिबल सीरियस डिजीज के लिए। अब पैथोजेनेसिटी वायरुलेंस एंडोटॉक्सिन ऑक्सोटॉक्सिन इनवेसिवेंस अटैच पेनिट्रेट मल्टीप्लाई। रेसिस्टेंस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग 1 to 2 weeks इन फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड डर्टी सॉइल हीट 30 degrees centigrade minute। एपिडेमोलॉजी ऑफ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन पेशेंट द कैरियर्स रूट ऑफ ट्रांसमिशन फिकल और रूट ससेप्टिबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन इम्यूनिटी आफ्टर इन्फेक्शन शॉर्ट एंड अनस्टडी नो क्रॉस इमर्ज। एपिडेमोलॉजी एपिडेमिक फीचर्स सीजन समर एंड फॉल फ्लेक्सनरी सोनी डिसेंट्री एज यंगर चिल्ड्रन। पैथोजेनेसिस नंबर ऑफ बैक्टीरिया टॉक्सिटी इन्वेसिवेंस अटैचमेंट पेनिट्रेशन मल्टीप्लिकेशन इम्यूनिटी। कॉमन बैक्टीरिया इंटेस्टाइन दो प्रकार से पेनिट्रेस म्यूकस एंड नॉर्मल इंटेस्टाइन फ्लोरा SIGA। मल्टीप्लाई एपिथीलिया सेल्स एंड प्रॉपर इनेबिना प्रिवेंट अटैचमेंट देन मल्टीप्लाई एपिथीलिया डिवाइड टू इन्फ्लामेशन मेजर कॉन्ट्रैक्शन ये एंडोटॉक्सिन्स। एंडोटॉक्सिन्स एंडोजीनेसिस प्रोजन पायरोजन यानी फीवर को इंडिकेट देन सुपरफिशियल म्यूकोजन नेक्रोसिस विद अल्सर डायरिया मिक्स्ड विद ब्लड पस एंड एब्डोमिन पेन। पैथोजेनेसिन टॉक्सिक कंडीशंस में स्ट्रॉन्ग एलर्जी वन टॉक्सिन्स डाइमेथिन अल्ट्रलिन माइक्रो सर्कुलेटरी फेलियर शॉक सेरेब्रल एडिमा सेरेब्रल हर्निया DIC एंड माइक्रो सर्कुलेटरी फेलियर।
पैथोलॉजी साइट ऑफ लीजन एंटायर लार्ज बोवल सिग्मॉइड कोलन एंड रेक्टम फीचर्स एक्यूट डिफ्यूज फाइब्रोनियस एक्सुडेटिव इन्फ्लामेशन पैथोलॉजी हाइपरनीमिया एडिमा ल्यूकोसाइट इनफिल्ट्रेशन सुपरफिलिशन नेक्रोसिस अल्सर क्रॉनिक एडिमा पोलीमिड हाइपरप्लेसिया टॉक्सिक कोलन हाइपरीमिया एडिमा माइक्रोकैपिलरी वॉल इन्वॉल्वेड क्लिनिक मैनिफेस्टेशंस इनक्यूबेशन पीरियड 1 to 2 days होर्स टू 7 days एक्यूट डिसेंट्री कॉमन टाइप माइल्ड टाइप एंड टॉक्सिक टाइप क्लिनिक मैनिफेस्टेशन कॉमन टाइप टिपिकल टाइप एक्यूट ऑनसेट सीवर हाई फीवर एब्डोमिनल पेन टेंडरनेस डायरियल स्टूल मिक्स्ड विद म्यूकस ब्लड पस टेनिसमस 1 week क्लिनिक मैनिफेस्टेशन माइल्ड टाइप एटिपिकल टाइप कोज बाय सिगेला सोनी लो फीवर एंड नो फीवर एब्डोमिनल पेन इज माइल्ड स्टूल मिक्स्ड विद म्यूकस विदाउट ब्लड एंड पस डायग्नोसिस बाय आइसोलेशन बाय बैक्टीरिया 3 to 7 days क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन टॉक्सिक टाइप्स में एज 2 to 7 years एब्रप्ट ऑनसेट हाई फीवर टेम्परेचर 40 degrees centigrade डिस्फोरिया लेथार्जी कलवंजंस डिपिथ्रिली कोमा सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी कोलैप्स डायरिया माइल्ड एंड एब्सेंट्स विद बिगिनिंग नेक्स्ट शॉक फॉर्म में कैसा होता है सेप्टिक शॉक हो जाता है ब्रेन फॉर्म डिस्फोरिया लेथार्जी एंड कलवंजंस रिपीटली कोमा ब्रेन एंड हर्निया रेस्पिरेटरी फेलियर मिक्स फॉर्म क्लिनिक मैनिफेस्टेशन क्रॉनिक डिसेंट्री अबाउट 2 months क्रॉनिक डिलेड टाइप क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप एक्यूट अटैक टाइप क्रॉनिक डिलेड टाइप लॉन्ग टाइम एंड रिपीटेड एब्डोमिनल पेन डायरिया स्टूल मिक्स्ड विद म्यूकस ब्लड एंड पस विद फैटिक एनीमिया मालन्यूट्रिशन क्रॉनिक एब्स्योर टाइप एक्यूट हिस्ट्री 1 year नो सिम्टम स्टूल कल्चर पॉजिटिव एंड सिग्मोइडोस्कोपी एक्यूट अटैक टाइप सम एज कॉमन एक्यूट डिसेंट्री लेबोरेटरी फाइंडिंग ब्लड कल्चर WBC काउंट इंक्रीज 1 to 2 to 10 lakh न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज स्टूल एग्जामिनेशन ग्रॉस एग्जामिनेशन स्टूल मिक्स विद द म्यूकस ब्लड एंड पस डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन WBC RBC पस सेल बैक्टीरिया कल्चर PCR एंड DNA सिग्मोइडोस्कोपी क्रॉनिक पेशेंट सेलो अल्सर स्कार एंड पोलीमिड एक्यूट डिसेंट्री डिफरेंट सेल्स में डायग्नोसिस में क्या होता है MBV डिसेंट्री एंटामोबिक बाय स्टूलाइटिका स्टूल रेडिश ब्राउन लाइक जेम फ्लैश शेप अल्सर एमोबिक ट्रोपोजोइट डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंटी डायग्नोकोज बाय इकोलाई सालमोनिला वायरस इंटरसेप्शन जेम लाइक स्टूल्स एब्डोमिनल मास एब्सेंस ऑफ फीवर डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्रॉनिक डिसेंट्री रेक्टल एंड क्रॉनिक कार्सिनोमा नो केयर ऑफ लॉन्ग टर्म ड्रॉप ऑफ वेट ऑफ बॉडी देन नॉन स्पेसिफिक अल्सर कोलाइटिस नो केयर ऑफ लॉन्ग टर्म कल्चर ऑफ स्टूल एंड नेगेटिव डिफरेंशियल डायग्नोसिस सिग्मोडोस्कोपी हेमरेज अल्सर लीड पाइप क्रॉनिक सिस्टोस्मोसिस जेपोनिका कॉन्टेक्ट विद कॉन्टामिनेटेड वाटर एपिडेमोलॉजिकल एंड स्पिनोमेगेली फाउंडिंग ओवम सिस्टोस्मोसिस जेपोनिका डिफरेंशियल डायग्नोसिस टॉक्सिक डिसेंट्री एनसेफेलोपैथी मी हाई फीवर कलवंजन कोमा इंक्रीज 24 hours सर्कुलेटरी फेलियर स्टूल एग्जामिनेशन CSF एनिंजियल इरिटेशन स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबिन M ट्रीटमेंट कॉमन डिसेंट्री टॉक्सिक डिसेंट्री जनरल ट्रीटमेंट पैथोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ्लोक्सिन एम्बिविसिन गिवन बाय IV सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कंट्रोल ऑफ हाई फीवर कन्वर्जन सबिलेशन ट्रीटमेंट ऑफ शॉक सेम एज ECM ट्रीटमेंट ऑफ सेरेब्रल एडिमा 20% मैनिटॉल ट्रीटमेंट कोलोनल क्रॉनिक डिसेंट्री जनरल थेरेपी लाइव डाइट नर्सिंग नरिश अवॉइड एक्सरसाइज ट्रीटमेंट इटोलॉजिकल थेरेपी सेंसिटिव ऑटोमेटिक यूज ऑफ टर्न कॉम्बाइड यूज अकॉर्डिंग टू रिजल्ट ऑफ कल्चर एनिमा एक्सपर्टेंट ट्रीटमेंट प्रिवेंशन ऑफ पेशेंट डिसेंट्री कंट्रोल ऑफ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन अंटिल कल्चर नेगेटिव इंटरप्टेशन ऑफ द ट्रांसमिशन प्रोटेक्टिव एंड सस्पेक्टेड पॉपुलेशन F2A सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबिन ए प्रोटेक्ट 80% 6 to 12 months कैनकिलर इज फर्स्ट टाइप ऑफ डिसेंट्री बेसिलरी डिसेंट्री या सिगेलोसिस सेकेंड टाइप इज डिसेंट्री एमोबेसिस एमोबेसिस एक प्रोटोजोअल इन्फेक्शन होता है कोज बाय जो होता है इंटामोइबिका
हिस्टोलाइटिका जो कि कॉमन इन इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड, इट इज़ ए कॉमनली फाउंड इन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है बट मे आल्सो कॉज ऑफ सिस्टमेटिक मैनिफेस्टेशन, यानी सिस्टमेटिक सिम्टम भी इसमें रीजन होते हैं। द रूट ऑफ एंटरी इन्फेक्शन बाय कॉन्टामिनेट फूड वाटर एंड फूड हैंडलर्स एंड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी इन्फेक्टेड स्टूल बनते हैं इसमें। तो डेफिनेशन ऑफ एम्यूबोसिस, एम्यूबोसिस इज एन इन्फेक्शन विद द इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ एंटामोएबा हिस्टोलाइटिका, अबाउट 90% ऑफ इन्फेक्शन आर एसिम्टोमेटिक, रिमेनिंग 10% प्रोड्यूस ए स्पेक्ट्रम ऑफ क्लिनिकल सिंड्रोम। एपिडेमोलॉजी, सिम्टोमेटिक ग्रुप इसमें भी इंटेस्टाइनल और एक्सट्रेन इंटेस्टाइनल, टू टाइप्स ऑफ इंटेस्टाइनल, स्मॉल परसेंट इन्वेसिव एमोबोसिस, माइल्ड एंड एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, डायरिया टू एक्यूट फ्लेमिंग डिसेंट्री, लीवर एंड लीवर एब्सेस, ब्रेन, लंग एंड स्प्लीन। एपिडेमोलॉजी ऑफ वर्ल्ड वाइड इन द डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड कॉमन पैरासिटिक डेथ इंडिया, चाइना, मैक्सिको, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, 2-60% रिवेंस बेस्ड ऑन एलिजा एंड PCR स्टडी, 1 lakh डेथ्स पर ईयर, 5 million इन्फेक्शंस, 50 million केसेस पर ईयर। एपिडेमोलॉजी इंडिया, 5% प्रीवेलेंस, 3.6-47.4% वेरिएशन अकॉर्डिंग टू सेंसिटिविटी लेवल एंड क्लिनिकल डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। एपिडेमोलॉजी ऑफ डिटरमिनेंट्स, एजेंट फैक्टर, वेरिएंस फैक्टर, होस्ट फैक्टर, इनवॉन फैक्टर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इंक्यूबेशन पीरियड। पहला है एंजियोटोमेट फैक्टर, एंटामोएबा हिस्टोलाइटिका जो बैक्टीरिया है वो उसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। ट्रोपोजायोटिस, 18-40 UM इन डे, साइटोप्लाज्म, आउटर क्लियर एक्टोप्लाज्म, इनर ग्लोमेरुलर एंडोप्लाज्म, फूड वैक्यूलस एंड RBC ल्यूकोसाइट एंड टिश्यू आर डेब्रिस, मोटाइल बाय सूडो पोडिया एक्सटेंशन, न्यूक्लियस विद सेंट्रल केरासोम सराउंडेड बाय डेलिकेट मेंबर लैंड टू क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स, नॉन इन्फेक्शन। एजेंट्स, एंटामोएबिका हिस्टोलाइटिका, प्रीसिस्ट, इंटरमीडिएट फॉर्म, ओवल विद ब्लंट सूडोपोनिया, नो फूड वैक्यूल्स, सिस्ट, स्पेरिकल, 10-15 minutes UM इन अनक्रिएटेड लेटर बी फॉर क्वाड्री न्यूक्लिएट, ठीक कंटिन्यूस। नो एविडेंस ऑफ नो फूड वैक्यूल्स, सिस्ट, स्फेरिकल, 10-15 UM इन अनक्रिएटेबल, लेट बी क्वाड्री न्यूक्लिएट, ठीक। प्रोटीनियस वॉल, ग्लाइकोजन मास, नॉट बी क्वाड्री क्लियर, क्रोमेडियल एंड क्रोमेटियोड बार्स इन्फेक्शन, इन्वेसिव एंड नॉन इन्वेसिव स्ट्रेंथ, ए जाइमोडियम कंप्रेस डोज इंटोमोएबा स्ट्रेंथ दैट आर शेयर ऑफ सेम इलेक्ट्रोक्रोनिक पैटर्न ऑफ मोबिलिटी, सर्टन एंजाइम लाइक मेलिक एंजाइम सूडो प्लोटोमेटिस इकोनाइज ग्लूकोज फॉस्फेट इज मिश्रित एबिलेज, 24 डिफरेंट जाइडोमिनस, 121 भी ह्यूमन स्ट्रेंथ, 7 पैथोलॉजिक जाइमर्स, इन्वेसिव एंड नॉन इन्वेसिव में अपीयर डिफरेंट बाय प्रेजेंट टू डिस्टिंक्ट स्पीसीज, इन्वेसिव स्ट्रेंथ ई हिस्टोलाइटिका गिव राइज टू फोकल सिस्ट, नॉन इन्वेसिव स्ट्रेंथ डी क्लासिफाइड एज ई डिस्पर, एजेंट फैक्टर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन टू केस कैरियर, रिसर्च ओनली ह्यूमन सेवरी ईयर्स, रेसिस्टेंट टू क्लोरीन इन नॉर्मल कंसेप्शन, रेडिडली किल्ड बाय फ्रीजली इन हीटिंग, पीरियड ऑफ कम्युनिटेबिलिटी वेरी लॉन्ग, होस्ट फैक्टर पीपल में डेवलपिंग कंट्रीज हैव ए पुअर सैनिटरी कंडीशन, इमिग्रेशन फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज, ट्रेवलर्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज, पीपल हाउ लाइव इंस्टीट्यूट दैट आई हैव पुअर सैनिटरी कंडीशन, एच आई वी पॉजिटिव पेशेंट्स, मैन हाउ इज सेक्स विद मैन ऑल एज ग्रुप ऑफ इफेक्टेड, नो जेंडर ऑफ रेडिएशन डिफ्रेशन, सीवियर चिल्ड्रन एंड ओल्ड प्रेगनेंट, प्रोटीन एजी मालन्यूट्रिशन, डेवलप एंटीमोबिक एंटीबॉडीज इन टिश्यू इन्वेसिव। होस्ट फैक्टर्स, लीवर एब्सेसेस ड्यू टू एमोबेसिस आर 10 times मोर फ्रीक्वेंट ऑफ एडल्ट देन मैन देन चिल्ड्रन, एमोबिक लीवर एब्सेसेस 7 times मोर द मैन देन वुमेन, प्रीमोडेंस एमंग मैन देन एज 18-15 years, इंक्रीज एमंग पोस्ट मेनोपॉज वुमेन, हार्मोनल इफेक्ट बाय द एल्कोहल कैन बी रिस्क फैक्टर, एंड वन फैक्टर लो सोशल इकोनॉमिक, पोअर सैनिटेशन, सेवे कॉन्टामिनेटेड नाइट सोयल एंड एग्रीकल्चर,
एग्रीकल्चर सीजनल वेरिएशन मोड इन रेनी सीजन मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन फिकोर रूट कॉन्टामिनेट वाटर एंड फूड डायरेक्ट हैंड टू माउथ वेजिटेबल्स इरिटेट सेवाग पोल्यूटेड वाटर एजेंसी ऑफ फाइल्स कॉकरोच रेट्स सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विद ओरल रूट इनक्यूबेशन टू टू फोर वीक्स लाइफ साइकिल ऑफ ईस्टोलाइटिका फर्स्ट ए ह्यूमन इंसेक्ट एक्सिस्ट ए कॉन्टामिनेट फूड वाटर ऑर्गेनिज्म एक्सिस्ट इन इंटेस्टाइन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव कॉलन देन ये जो प्रोपोजोइड्स है वे इन्फेक्ट करते हैं इन्फेक्टिव सिस्ट फॉर्म स्टूल देन इन सिस्ट या प्रोपोजोइड पास्ट इन लिक्विड सॉफ्ट स्टूल देन इंटोमोबिका स्टोलाइटिका ओनली एंड्रोस इंटेस्टाइन वॉल देन टू लीवर वाइवा सर्कुलेटरी सिस्टम देन हेपेटिक एब्सेस लाइफ साइकिल ऑफ स्टोलाइटिका देन फिकल ओरल रूट मैच्योर सिस्ट इंजेक्शन सिस्ट ऑफ ट्रिपोनोजाइट्स पासिस इन यू सीन द डिसग्राम लाइफ साइकिल ऑफ स्टोलाइटिका सिम्टम ऑफ या क्लिनिकल फेनिश प्रेजेंटेशन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एमओ इन्फेक्शन इज एसिम्टोमेटिक सिस्ट पासिस इंटेस्टाइनल एमोसिस एबडोमिनल क्रैम्स विद माइल्ड डायरिया एंड कोलाइटिस एंड डिसेंट्री एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल एमोसिस एमोबिक लीवर एब्सेस रेयरली लंग्स स्किन जेनिटल एंड सीएनएस आर इफेक्टेड एमोबिया इन्फ्लेमेटरी एंड एडोमेटस रिएक्शन अराउंड टू प्रोपोजोइड्स किलिंग प्रेजेंटेशन एसिम्टोमेटिक कैरियर्स 90% विदाउट सिम्टम डज नॉट डिमेज ह्यूमन हाउ टू एमोसिस मैनेज मेसन Common cases of emesis very mild symptom or non. Wide spectrum to symptomatic infection, luminal emesis and emesis colitis. Clinical symptom of usually more severe infection of cause fever, profuse diarrhea, vomiting, abdomen pain, jaundice, anorexia and weight loss. Invasive intestinal emesis, dysentery, colitis, appendicitis, toxic mega, colon, amoebovisis. Clinical presentation, emesis colitis, abdominal cramp with severe pain, fever, vomiting, anorexia, mucus with stool, dysentery, flesh, shaft, ulcer and intestinal. क्लिनिक प्रेजेंटेशन फल्मिनेंट कोलाइटिस की 0.5% सीवरटी इन विद हाई फीवर इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग परफॉर्म पैरालिटिक इलियस CPR 40% अनकॉमनली ए क्रॉनिक फॉर्म ऑफ एमोबिक कोलाइटिस कैन बी कंफ्यूज विद इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज डायग्नोस्टिक ऑफ या लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ एमोबिसिस सैंपल्स स्टूल बायोप्सी मटेरियल फ्रॉम कोलोनोस्कोपी और सिग्मोडोस्कोपी एस्पिरेट फ्रॉम लीवर एब्सेस सीरम प्योर फ्लूड पेरिकार्डियल फ्लूड स्पुटम माइक्रोस्कोपी बोथ सलाइन एंड एनुअल बेड माउथ ऑफ प्रिपेयर एनी वॉथ ट्रोपोजेट लिबेटरलाइज सीन सलाइन माउंट लोडिंग माउंट स्ट्रेंथ ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ यूज द अंडरवेज सिस्ट चारकोट लेडन सीरियल कैन बी सिस्ट परमानेंट स्ट्रेंथ कैन बी आल्सो यूज ऑफ स्ट्रेंथ सिमिलर लेबोरेटरी डायग्नोसिस फॉर एमोबिक लीवर एब्सेस एंड अदर मेटास्टेटिक लीजन्स रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन रेडियो आइसोटोपिक ट्रेसिंग ऑफ लीवर अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ अपर एब्डोमेन सीटी एंड एमआरआई एब्डोमेन सोरोलॉजी एंटीबॉडी डिटेक्शन जैसे कि एलिजा IHA IFA एंटीजन स्किन डिटेक्शन कोगुलेशन एलिजा कोप्रो एंटीजन या एलिजा एंड अदर रिसेंट एंड वेरी यूजफुल ऑफ मेथड ट्रीटमेंट ऑफ एमोबिक कोलाइटिस या एमोबिक लीवर एब्सेस फर्स्ट टिनिडाजोल डोज देते हैं 2 ग्राम पर डे यू कैन सीट इट ओरल रूट 3 डे मेटोनिडाजोल 750 mg मिलीग्राम एडल्ट 330 mg kg चिल्ड्रन टीड ओरल रूट या IV 5 to 10 डे ल्यूमिनल इन्फेक्शन सेंट विद अबाउ परमोमाइसिन 30 mg क्यूड ओरल 5 to 10 लोडोक्यूनोल 650 mg टीड ओरल 20 डे ट्रीटमेंट परकुटेनियस रेडियोग्राफी गाइडेड एस्पिरेंट एब्सेस लार्ज लेफ्ट अबाउ लीवर एब्सेस बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन पायोजेनिक एब्सेस पिलोरम पुलमोनरी एबोसिस एम्फाइमा एमोबिक पेरिकार्डिटिस एसिम्टोमेटिक केसेस में सिस्ट डिडोहाइड्रोक्विनोन 650 एडल्ट 40 mg टीड ओरल 20 mg डिलोक्सिनेट प्यूरेट 500 mg टीड ओरल 10 डे प्रिवेंशन ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन सैनिटेशन सेफ डिस्पोजल ह्यूमन एक्सक्रेटा गुड सैनिटरी प्रैक्टिस लाइक वॉशिंग सैंड आफ्टर
defecations and before eating, water supply, water filtration, sand filter boiling, food hygiene, prevent fecal contaminated food and drink, vegetables washed and aquas acetic acid 5 to 10%, health education, food handler and public prevention, secondary prevention, early diagnosis and treatment. E. coli disappear is the morphological induced questionable and E. stolytica so in most Kowalski. Most asymptomatic cases of amoebic infestation are believed to be one these two species. The other species are non-pathogenic but can be microscopically differential. Then summary, amoebosis and infections, intestinal protozoal, entomoebica, stolytica, about 90% infection are asymptomatic. Worldwide distributions, infection, cyst form, poor sanitation, sewage contamination, wide spectrum and asymptomatic infection and luminal amoebosis and amoebic colitis. Invasive intestinal amoebosis, dysentery, colitis, appendicitis, toxicomega, colon, amoebosis. Amoebic liver abscess, most common extra-intestinal presentations. Diagnosis by stool microscopy, other investigation, treatment, tinidazole and preferred prevention of good sanitary practice. Thank you everyone. It's complete topic dysentery. Dysentery with two forms there. First form is bacterial or bacillary dysentery and protozoal or amoebic dysentery or amoebosis. Thank you everyone.